कक्षा 11वीं में छात्र हूँ। राजनीति शास्त्र में हमारा रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में हमने फर्स्ट लेसन था हमारा जो संविधान, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए भी थे और उसको पढ़ा, फिर से पुनः समझाया था। हमारा अब दूसरा जो लेसन है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। आपने पढ़े हैं मौलिक अधिकार, कुछ नीति निर्देशक तत्व भी पढ़े हुए हैं। तो हम आपको पाठ्य पुस्तक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो, क्योंकि आपके पास यदि जिन छात्रों ने बुक नहीं ली है सीबीएसई वाली जो अभी चल रही है, तो वो किताब जरूर खरीद लें। हो सकता है किसी बच्चों ने अभी भी ना ली हो, या स्कूल से जिनको नहीं मिली है, तो वो जो दो बुक्स हैं वो जरूर, और उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो हम चलते हैं आज अध्याय 2, भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, आप देखेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते समय हमें प्रश्न बार बार पढ़ना है, और जो उत्तर दिए हुए हैं वो भी हमें बार बार पढ़ने हैं, उसके बाद हमें सही छांटना है। तो अब ये हमारा जो प्रश्न है पहला, इसमें से आपको ये चार कथन दिए गए हैं, आपको सही और गलत बतलाना है। तो आपने अधिकार के बारे में पढ़ा, तो जो पहला है अधिकार पत्र में जो हमको अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार और जो भी दिए गए हैं, तो किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। अब दूसरा और पढ़ते हैं, तो ये कथन सही है कि गलत है ये बताना है। तो इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये कथन सही है। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को जो भी अधिकार दिए हैं, हासिल मतलब जो उनको प्राप्त है, उनका वर्णन रहता है। तो ये कथन आपको सही लग रहा है, तो ये कथन सही होगा। फिर है अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जो अधिकार मिले हैं वो व्यक्ति की मतलब स्वतंत्रता, समानता, ये सब अधिकार हैं जिनकी रक्षा करता है। तो ये कथन भी आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। फिर तीसरा है विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी का संविधान अलिखित भी है, कहीं कहीं मौलिक अधिकार नहीं भी दिए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि विश्व के हर देश में अधिकार पत्र हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये कथन गलत हो सकता है। संविधान अधिकारों के उल्लंघन की सुरक्षा की गारंटी देता है। जो अधिकार हमें मिले हैं यदि वो उल्लंघन होते हैं, तो इस अधिकार को हम साक्ष्य करके अपनी सुरक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन भी हमें क्या लग रहा है, सही लग रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सही और गलत आपको पढ़ना है। आपकी मातृभाषा है हिंदी, आप इसको पढ़कर अर्थ निकाल कर सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। आपने लेसन पढ़ा तो अब हम देख सकते हैं कि एक छांटना है इसमें से। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो इसमें से जो गा नंबर है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि संविधान में भी मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। आपको ये आइडिया के लिए बता रहे हैं, इससे संबंधित दूसरे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप देखें ये प्रश्न है, क्योंकि राजनीति और अधिकारों का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है।
ये आप ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। आपको 6 मौलिक अधिकार आपने पढ़े हुए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, इस प्रकार। तो ये 6 अधिकार हैं, तो इसमें से देखते हैं। ये एक उदाहरण है, राष्ट्रीय एयरलाइन, एयरलाइन समझते हो ना, फ्लाइट वगैरह होती हैं, हवाई जहाज होती हैं, उसमें जो चालक परिचालक दल हैं, जो उनके केबिन में रहते हैं, तो उनसे संबंधित जो स्टाफ होता है, कि ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है, पुरुष आप समझते ही हैं, नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। तो आप इसको पढ़ें और बताएं यहाँ पर कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कौन से मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है और कैसे। मतलब उसी विभाग में पुरुष को ज्यादा वजन होने से, क्योंकि ऐसी जगह स्वास्थ्य और वजन का ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ पर कौन से अधिकार का उपयोग किया गया है। तो आपको मालूम है एक अधिकार होता है समानता का अधिकार, उसमें समानता में ये नहीं देखा जाता है कि ये पुरुष है या ये महिला है। तो यहाँ पर आप उत्तर देखेंगे कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, कि पुरुष को तरक्की दी गई और महिला को दंडित किया गया। तो यहाँ पर कौन से अधिकार का उपयोग हुआ है, समानता के अधिकार का यहाँ उल्लंघन हुआ है, उपयोग नहीं हुआ, और कैसे, लिंग के आधार पर यहाँ क्या किया गया, भेदभाव, क्योंकि वो पुरुष था और ये महिला थी, तो लिंग के आधार पर यहाँ पर क्या कर दिया गया, भेदभाव किया गया, ये सही नहीं है। तो आपको जो प्रश्न पूछा है आप उसका उत्तर लिखिए। आप जितना ज्यादा प्रश्नों को पढ़ेंगे उदाहरण में जो आपकी बुक में आए, तो उससे आपका क्या होगा कि लिखने की क्षमता का विकास होगा, समझने की क्षमता का विकास होगा उदाहरण के द्वारा। आप मौलिक अधिकार के प्रकार तो याद कर लोगे, लेकिन उसका उपयोग कहाँ आता है हमारे जीवन में, तो ये उदाहरण के माध्यम से दिया गया है, और ये सब आपकी बुक के ही प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है इसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में एक निर्देशक होता है जो फिल्म बनाते हैं, तो उसमें फिल्म में उन्होंने सरकारी नीतियों की क्या की गई है, आलोचना। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन से मौलिक अधिकार का उपयोग हुआ है या उल्लंघन हुआ है और कैसे। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में भी उनका वर्णन किया गया था। हम अनुच्छेद क्रमांक बताते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये एक मौलिक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। तो उसमें निर्देशक ने क्या किया, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले मौलिक अधिकार का उपयोग किया, और हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 19 का जो पहला पार्ट है उससे ये संबंधित है ये अधिकार, कि सभी भारतीयों को सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अपने विचारों को प्रकाशित व प्रचारित करने का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्तिगत किसी की आलोचना ना हो, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर कौन सा अधिकार है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उपयोग किया गया है, किसने, निर्देशक ने किया है। ये लिखा हुआ है कि सभी भारतीयों को वाक वाक मतलब बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से अपने जो 6 अधिकार हैं उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं।
अब एक उदाहरण और आपको दिया जा रहा है कि एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए, बांध समझते हो आप? बांध मतलब जो नदी में बांध बनाया जाता है, बरगी बांध, तवा बांध, भाखड़ा नंगल बांध, आप इस प्रकार देख चुके हो। तो जब बांध बनता है तो आसपास के लोगों को वहां से हटाया जाता है जो बस्ती में रहते हैं। तो जब वहां से लोगों को हटाया गया, विस्थापित करना मतलब हटाना, तो उन्होंने अपने पुनर्वास मतलब अब उनका रहने का स्थान क्या हो गया, छिन गया, तो उन्होंने अपने रहने के पुनर्वास की मांग करते हुए एक रैली निकालते हैं। तो इसमें हम कौन सा अधिकार का उपयोग किया गया है? तो आप यहाँ देखेंगे कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग किया है। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र है वो, क्योंकि तो उनका स्थान हटा दिया है, उनका आवास हटा दिया है। तो यहाँ पर 19(1)(ख) में स्वतंत्रता का अधिकार है, और उन्होंने मांग की है, और बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से जमा होने और सभा करने की क्या है, स्वतंत्रता है, जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों का उपयोग इन उदाहरणों में हो रहा है। एक और उदाहरण है, ये भी आपकी बुक का ही प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। पहला लेसन मैंने बहुत अच्छे से आपको रिवीजन में बता दिया है। फिर है आंध्र सोसाइटी, एक सोसाइटी है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है, इसमें अपने कौन से मौलिक अधिकार का उपयोग हुआ है या उल्लंघन हुआ है आपको बताना है। तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है, तो एक मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 का जो पहला भाग है उसमें एक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो कोई भी संस्था, ग्रुप और सोसाइटी को शिक्षण संस्थान खोलने का क्या है, अधिकार है। तो वो अपने तेलुगु माध्यम का विद्यालय चला सकते हैं, उनने कोई उल्लंघन नहीं किया है। यहाँ उन्होंने उस मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उपयोग किया है। आपने इन उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा, यहाँ पर आपने 3 अधिकारों 4 अधिकारों के बारे में पढ़ लिया। एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एक था अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और एक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इस प्रकार हमारे हर अधिकारों का दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग होता है, और लोग उसका पालन करने के लिए, उसको मतलब मांग करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव है। एक मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, आप चारों ध्यान से पढ़िए और इसमें से हमें सही बताइए कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं, ये अभी गलत, आपको सही गलत तो नहीं बताना है, पर सबसे सही जो लग रहा है उसको बताना है। तो ये अभी और पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए, ये तो सही नहीं लग रहा। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। अब घा और पढ़ेंगे आप, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं
कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। ये तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका जो गा उत्तर है वो थोड़ा सा सही व्याख्या लग रही है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये डिवीजन चल रहा है। इसमें आप ये जो दूसरा पार्ट है बहुत जनरल नॉलेज का है और बहुत अच्छा है, इसको आप और पढ़ के रखिए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पार्ट को आगे के और प्रश्न। धन्यवाद। कर दूँ।